मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा है। चर्चा की वजह बनी है उनकी शादी और शादी के बाद का विवाद। अब चर्चा क्यों हो रही है और विवाद क्या है और शादी का क्या कनेक्शन है, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले खबर आई थी नुसरत जहां मां बनने वाली है, यानी वो प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी को करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इसी खबर के साथ नुसरत जहां की चर्चा शुरू हो गई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब नुसरत के पति निखिल जैन ने ये कह दिया कि उनको नुसरत की प्रेगनेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। इनफैक्ट वो पिछले 6-7 महीने से एक साथ भी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर नुसरत माँ बनने वाली थी तो वो बच्चा उनका नहीं है। इसी के बाद विवाद ने और तूल पकड़ लिया, जिसके बाद नुसरत और निखिल के बीच अनबन की खबरें आनी शुरू हो गई। अब अनबन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब नुसरत ने बयान जारी कर ये कहा है कि निखिल के साथ उनकी शादी मानने ही नहीं। जबकि नुसरत ने 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी की थी। नुसरत ने खुद अपनी शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन अब नुसरत ने बयान जारी कर कहा है कि एक विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है, और वैसे भी ये एक इंटरफेथ मैरिज यानी कि दो अलग अलग धर्मों के बीच की शादी है, इसलिए इसे भारत में मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कानूनी तौर पर ये शादी वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप है, या फिर हम इसे ये कहें कि ये एक लिव इन रिलेशनशिप है, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। निखिल ने इसे लेकर केस भी दर्ज कराया है, क्योंकि निखिल का कहना है कि नुसरत किसी और के साथ अब रहना चाहती है। इसी सबके बीच नुसरत के पॉपुलर एक्टर यशदास गुप्ता के साथ अफेयर की खबरों को भी हवा मिल रही है। अब खबर है कि दोनों पिछले साल से दिसंबर में राजस्थान ट्रिप पर गए थे और वहीं से दोनों में नजदीकियां बढ़ी। अब नुसरत की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। अटकलें आप भी लगा सकते हैं, हमने आपको खबर बता दी है। धन्यवाद। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।